नमस्कार, तमे सांभी रहा छो रेडियो मनी 9 पर समाचारों लंच बॉक्स। हजू यथावत रहेशे दूधनी मोंघवारी, कंज्यूमर गुड्स की वधशे किंमतों, खुला बजार में 20 लाख टन वधाराना घऊं वेचशे सरकार। आ सिवाय पण बिजनेस अने फाइनांस साथे जोड़ायेला घणा समाचारों छे अमारी पासे, तो चालो खोलीए आजनु समाचारों लंच बॉक्स। कंज्यूमर गुड्स थशे मोंघा। फूड अने डेरी प्रोडक्ट, शराब, फ्रीज, एसी, इम्पोर्टेड कपड़ा और पर्सनल केर उत्पादनों की 10% सुधी वधी शके छे किंमतो। रूपियाना घटाडाथी अने कंपनीओनो खर्चो वधवाथी ग्राहकों पर पड़शे वधेली किंमतनो भार। कंपनीओना वरिष्ठ अधिकारीओनुं कहेवुं छे के छेल्ला 2 वर्षों में आ वधारो हशे सौथी ओछो। मिल्क इंडस्ट्रीए व्यक्त करी दूधनी किंमतों वधवानी आशा। दूधनी किंमतों वधवाथी तेनी बाय प्रोडक्ट पण थशे मोंघी। जान्युआरी में 18% मोंघू थई गयु घी। ऑगस्ट 2022 में आ दर हतो 8.9%। आइसक्रीम अने बेबी फूड पण थयु 10% थी वधु मोंघू। खुला बजार में 20 लाख टन वधाराना घऊं वेचशे सरकार। आ निर्णयथी घऊं अने तेनाथी बननारी प्रोडक्टनी किंमतों में आवशे घटाडो। अगाउ घऊंनी सपोर्ट प्राइस ने 2350 रूपिया प्रति क्विंटल थी घटाडीने 2150 रूपिया प्रति क्विंटल करवानी जाहरात करी चूकी छे सरकार। आवता महीने रिटेल मोंघवारी में आवी शके छे नरमाई। एचडीएफसी बैंके 2 करोड़ थी ओछी एफडी पर व्याज दरो वधार्या। 5 वर्ष थी 10 वर्षनी एफडी पर मळशे 7% व्याज। समान मुद्दतनी एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों ने मळशे 7.75% व्याज। 15 थी 18 महीनानी एफडी पर समान नागरिकों ने मळशे 7.10% व्याज। एसबीआई म्यूचुअल फंडे लॉन्च कर्यु डिविडंड यील्ड फंड। 6 मार्च सुधी लई शको छो सब्सक्रिप्शन। फंड में अलग अलग सेक्टरनी कंपनीओना शेर करवामां आवशे सामेल। डिविडंड आपनारी कंपनी में एसबीआई डिविडंड यील्ड फंड पोताना पोर्टफोलियोना 65% सुधी करशे रोकाण। रोकाणकारोने समयांतरे कंपनी तरफथी मळशे केश। शेरनी किंमतोमां घटाडाथी इन्वेस्टरने नहीं थाय नुकसान। अविवा लाइफ इंश्योरंसे लॉन्च कर्यो अविवा सिग्नेचर गेरंटेड इनकम प्लान। नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग लाइफ इंश्योरंस छे प्लान। लांबा गाड़ा में संपत्तिनु निर्माण करवामां करशे मदद। टैक्स बचाववा माटे पण करी शकाय छे तेमां रोकाण। कुल चूकवेला प्रीमियम पर 3 गणा सुधी गेरंटेड रिटर्ननी ऑफर करे छे आ प्लान। पोतानी नाणाकीय जरूरियातों अनुसार ग्राहक पसंद करी शके छे विकल्प। ग्लोबल ग्रोथ में 15% रही शके छे भारतनी हिस्सेदारी। आईएमएफ में एशिया अने प्रशांत विभागना डायरेक्टर कृष्ण श्रीनिवासे व्यक्त करी संभावना। बाकी दुनियानी सारू प्रदर्शन करवा छता मोंघवारी दर रहेशे भारत में मुख्य પડકાર। आईएमएफना ब्लॉग पोस्ट में कहवायुं हतुं के वैश्विक विकास में 50%थी वधु योगदान करशे चीन अने भारत। वीमा माध्यमों अने वीमा क्षेत्रना एग्रीगेटरनी पूछपरछ करी रह्या छे जीएसटी अधिकारी। एग्रीगेटर अने मध्यस्थोनी सामे समन्स जाहिर करी मांगी रह्या छे वधारानी माहिती। एग्रीगेटर अने मध्यस्थो पर वीमा कंपनीओ साथे मळीने नकली इनवॉइस बनावीने टेक्समां छूट लेवानो आरोप। छेल्ला 3 થી 5 વર્ષના ટેક્स રિટર્નની થઈ રહી છે તપાસ। ડેટા એકત્ર કર્યા બાદ વીમા કંપનીઓની પણ પૂછપરછ કરશે આઈટી વિભાગ। NSE इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स माटे कारोबारनो समय वधार्यो। सांजे 3:30 वाग्याना बदले हवे 5 वाग्या सुधी करी शकशे कारोबार। नवो फेरफार 23 फेब्रुआरीथी थशे लागू। NSE अंडरलाइंग मार्केट साथे समयने मेळववानुं जणाव्युं कारण। 23 फेब्रुआरी 2023 बाद एक्सपायर थनारा बधा हालना कॉन्ट्राक्ट अने त्यारबाद रजू करवामां आवेला बधा नवा कॉन्ट्राक्ट एक्सपायरीना दिवसे सांजे 5 वाग्या सुधी ट्रेडिंग माटे रहेशे उपलब्ध। तो समाचारों लंच बॉक्स में आज मात्र आटलू ज। तमे सांभळता रहो रेडियो मनी 9। अमे लईए विदाय। नमस्कार।